Your friend, I hope आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपके हेयर शाइन कर रहे होंगे। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जो आप सैलून में जाकर के 1500 का हेयर स्पा करवाते हैं, उसका मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ आप सभी के रिक्वेस्ट। गाइस, गर्मी का मौसम आ गया है, सिर्फ आधे घंटे भी अगर हमारे बाल धूप में रह जाते हैं तो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली रहता है लेकिन हेयर बहुत ज्यादा ड्राई। तो गाइस, रिजल्ट कुछ ऐसा था। हेयर मास्क यूज करने के बाद तो गाइज, अगर आपको भी ऐसा रिजल्ट चाहिए तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे ही इतना महंगा वाला हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं और इतना अमेजिंग रिजल्ट पा सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो पे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे रहते हुए आपको कोई भी स्किन या हेयर केयर प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी। तो गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने नहीं किया तो फटाफट से आप भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, जब हम सैलून में जाके हेयर स्पा करवाते हैं तो वो हेयर स्पा क्रीम यूज करते हैं हमारे हेयर में, जिससे हमारे हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, हमारे एंड्स भी स्मूथ हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सिल्की हेयर्स हो जाते हैं हमारे। और अगर हमारे स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ रहता है, अगर हेयर फॉल होता रहता है, तो वो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। बट गाइस, सैलून में जाके हेयर स्पा करवाना और उसका रिजल्ट सिर्फ एक हफ्ते तक चलता है, आपको एक हफ्ते बाद दोबारा करवाने की नीड है। एक मंथ में 4 वीक होते हैं और अगर आप 4 बार जाकर के हेयर स्पा करवाने लगे तो फिर ऐसे ही लुट जाएंगे आप, तो हेयर स्पा में ही लुट जाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने घर पे ही हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिल्की स्मूथ हेयर ऐसे पा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को जरूर देखिए आखिर तक और मुझे यूज करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी और ब्रांड का एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। मैं मोस्टली नेचुरल एलोवेरा जेल यूज करती हूँ, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा। बट इस हेयर मास्क को और ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। आप किसी भी ब्रांड का ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। और थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको हेयर ग्रोथ एंड एंटी हेयर फॉल ऑयल बनाना सिखाया था अपने पुराने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर लिंक पॉपअप हो गई है, उस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ऑयल को आप यूज करें, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी कंट्रोल करेगा और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो आपको ये हेयर ऑयल यूज करना है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें अभी मैं आपको सिर्फ उतना बना के बता रही हूँ जितना कि आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते। उसके बाद मैं यही हेयर मास्क बनाऊंगी अपने लेंथ पे लगाने के लिए। आप चाहें तो ये एक बार में पूरा कंप्लीट बना सकते हैं अपनी हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाने के लिए 2 चम्मच ऑयल यूज किया है। उसके बाद फिर इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे और उसके बाद इसमें 1 से 2 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। यानी ऑलमोस्ट हमें तीनों इंग्रेडिएंट्स को इक्वल क्वांटिटी में लेना है अपने स्कैल्प पे लगाने के लिए। मैंने हर चीज की 2-2 स्पून लिए हैं ये हेयर मास्क रेडी करने के लिए। इतना सुफिशियंट है मेरे स्कैल्प पे लगाने के लिए और सेम इतना ही मैं अपने लेंथ पे लगाने के लिए भी बनाऊं। तो आप चाहे तो इन सभी चीजों की 4-4 स्पून डाल करके अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस हेयर मास्क को रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हेयर्स कितने ज्यादा अजीब से हो रहे हैं, हालांकि मैंने इन्हें अभी 4 दिन पहले ही वॉश किया था तो उतने ज्यादा बेकार नहीं है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और ये रहा मेरा हेयर मास्क जो मैंने सिर्फ अपने स्कैल्प के लिए बनाया है। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है कि मुझे ये पूरा करने में आसानी हो, क्योंकि एक बार में मैं बहुत ज्यादा बना लूंगी तो मेरे को कैमरे में शूट करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। तो चलिए अब लगाना स्टार्ट करते हैं। आप एक बार में बना लीजिएगा क्योंकि आपको कौन सा कैमरा में शूट करना है। सबसे पहले हम अपने पूरे बालों को अच्छे से डिटेंगल यानी सुलझा लेंगे। ध्यान रखिएगा, पतली वाली कोम से आपको अपने बालों को कभी नहीं सुलझाना है, हमें मोटी वाली कंघी
यानी जिसे डिटेंगल कॉम्ब कहते हैं, उससे सुलझाना है अपने सारे बालों को। देखिए थोड़ा सा ये हेयर फॉल हुआ है मुझे। सबसे पहले अपने बालों को बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड के बालों को मैं टक कर ले रही हूँ क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे हेयर मास्क लगाने में, और सेकेंड पार्ट को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ बीच से। पीछे के पोर्शन को मैं दूसरे साइड ले जा करके टक कर दूंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि हमारे पास कोई है नहीं जो ये कर दे, हमारे भाई बहन ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि आप अपने बालों पे ही कैसे लगा सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी बहन के, अपनी मम्मी के, किसी के भी हेयर में अगर लगा रहे हैं तो आपको किस तरीके से लगाना है। तरीके से सैलून में, पार्लर में हेयर स्पा किया जाता है ताकि आपके हर एक हेयर में अच्छी सी कंडीशनिंग हो सके, पूरा पूरा प्रोडक्ट आपके हर एक बाल के रूट में जाए, आपको इस तरीके से करना। अब बस हमको छोटे छोटे सेक्शंस निकालने हैं और अच्छे से इस हेयर मास्क को अपने पूरे बालों में लगा लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ अपने बालों की जड़ों में यानी स्कैल्प पे लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अपने बालों में लगा रही हूँ। आप चाहें तो टूथब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं। मैं कॉस्मेटोलॉजी मेरा प्रोफेशन है इसलिए इससे रिलेटेड चीजें मेरे पास हैं, जैसे बाउल, ब्रशेस या जो भी चीजें मुझे जरूरत पड़ती हैं। आप ये ना सोचे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप चाहें तो टूथब्रश से भी यूज कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, भगवान ने हमें दो हाथ दिए हैं, आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो चीज करें। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से मैं छोटे छोटे सेक्शंस निकाल के अपने स्कैल्प पे इसे लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी लगाना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये हेयर मास्क लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी इसे लगाने से सॉल्व हो जाएंगी। इस हेयर मास्क में हमने एलोवेरा जेल का यूज किया जिसमें भर भर के कंडीशनिंग एजेंट होता है। ये हमारे बालों में होने वाली डैंड्रफ वगैरह से भी हमें वो भी रिमूव करता है। और एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसे मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये आपको पता ही है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स में लगाने के बाद जो शाइन आती है ना गाइस, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलता है ना। अगर आपके बाल में भर भर के डैंड्रफ है, ड्राई डैंड्रफ है या ऑयली डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ जो फॉल आउट होते हैं, और ऑयली डैंड्रफ जो स्कैल्प पे बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं पपड़ी जैसे, कैसे भी डैंड्रफ हो एलोवेरा जेल बहुत ही अमेजिंग काम करता है डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुजली होती है किसी भी कारण से, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी कारण से, तो एलोवेरा जेल उसे जड़ से खत्म कर देगा गाइस, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। अच्छे से लगा लेने के बाद आपको अपने फिंगर्स की पोर से अच्छे से मसाज करना है अपने स्कैल्प पे। कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए। इससे ये जितना भी प्रोडक्ट हमने अपने स्कैल्प में लगाया है वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट हो जाएगा। के बाद हम एंड्स पे लगाना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही दो पार्ट में अपने बालों को डिवाइड करेंगे और बैक साइड से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकाल के, पतले पतले स्ट्रैंड्स निकाल के उस अपने बालों की लेंथ पर ये हेयर मास्क लगाना स्टार्ट करेंगे। और कुछ इस तरह से लगाएंगे, पहले प्रोडक्ट को अपनी लेंथ पे लगा लेंगे, फिर अपने हाथ से उसे अच्छे से इमल्सीफाई करेंगे जिससे वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। यानी हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रोडक्ट है वो आपका बाल पी ले, अच्छे से सोख ले, और ऐसा आपको पूरे हेयर्स में छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकाल करके अच्छे से अपने बालों में पूरे प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कराना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी आलसपना मत दिखाइएगा, पतले पतले स्ट्रैंड्स निकाल करके पूरे अच्छे तरीके से इसे अपने बालों में लगाइएगा। सेकेंड चीज़ कि आप सब लोग मुझसे पूछेंगे कि ग्लिसरीन, आपने ऑयल बेस्ड ग्लिसरीन क्यों यूज़ किया है। ग्लिसरीन हमारे हेयर्स को डीपली मॉइस्चराइज्ड करता है, हमारे हेयर को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ये हमारे बालों के स्प्लिटेंड्स को रिमूव करता है, रिपेयर करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्रिटल, ड्राई और फ्रीजी हेयर है तो उसे डीपली कंडीशनिंग करता है। इन सब के साथ साथ ग्लिसरीन हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके स्कैल्प पे इचिंग होती है तो उसे भी रिड्यूस करता है और हमारे डैमेज हेयर्स को रिपेयर करता है। और ग्लिसरीन का यूज करने से आपके हेयर्स बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ एंड शाइनी हो जाते हैं, जैसा कि मैं आपको हेयर वॉश करने के बाद दिखाऊंगी ही। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है मेरी पहले की वीडियो में बताया हुआ हेयर ऑयल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मैंने इस हेयर ऑयल को कैसे बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। गाइस ये हेयर ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आपके वेवी एंड लाइट कर्ली हेयर्स हैं तो वो उन्हें स्ट्रेट करेगा अगर आप उस हेयर ऑयल को कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो। अगर आपके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, या अगर बाल बीच से टूट जाते हैं,
या बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार कोई हेयर मास्क बना के लगाना पड़े, तो सिंपली अपने रेगुलर हेयर ऑयल को रिप्लेस करके आप इस हेयर ऑयल को यूज करना स्टार्ट करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकोगे, इतना अमेजिंग हेयर ऑयल है। मेरी सिस्टर के हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, बट जब से इसने ये हेयर ऑयल यूज़ करना शुरू किया है, उसके हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मैंने लाइव रिजल्ट देखा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। पूरे बालों में अच्छे से लगाने के बाद बचा हुआ प्रोडक्ट अपने एंड्स पर अच्छे से लगा लें। अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, और फिर सारे बालों को अच्छे से टक कर लें। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस ये है कि आपको अपने बालों में स्टीम लेना है। मैं इस स्टीमर का यूज कर रही हूँ स्टीम लेने के लिए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर आप स्टीमर नहीं लेना चाहते या फिर आपके पास स्टीमर नहीं है, तो सबसे अच्छी प्रोसेस ये है कि आप गर्म पानी में टॉवल को अच्छे से भिगो करके और उसका एक्सेस वाटर को निकाल के अच्छे से अपने बालों में बांध लें। और ऐसा सिर्फ एक बार ना करें, दो तीन बार अच्छे से करें। जैसे ही टॉवल सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, दोबारा सेम प्रोसेस को रिपीट करें। गर्म पानी में टॉवल को डुबाएं और एक्सेस वाटर निकाल के अपने बालों में लपेट लें। इस प्रोसेस को कम से कम 3 से 4 बार करें, ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए, अगर आप हॉट टॉवल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। और अगर आप स्टीमर से स्टीम ले रहे हैं तो 10 मिनट सफिशियंट है। उसके बाद बालों को कूल डाउन होने दें और इस पैक को 1 घंटे तक अपने बालों में लगे रहने दें। उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लें, और अगर आप चाहें तो कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। तो हेयर वॉश करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा गाइज आपको, आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिल्की और बहुत ही ज्यादा शाइनी हो जाएंगे, हेयर फॉल ना के बराबर होगा बिल्कुल। और अगर आपके बाल वेवी हैं या हल्के से कर्ली हैं तो आपको स्ट्रेट टेक्सचर मिलेगा। अगर आपके बाल थोड़े ज्यादा कर्ली हैं, थोड़े ज्यादा वेवी हैं, तो एक बार में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस ऑयल को जो मैंने इसमें यूज किया है उसे कंटिन्यूसली यूज करते हैं 1 मंथ के लिए, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रेट होने लगेंगे और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आप चाहें तो हेयर वॉश करने के बाद गीले बालों में थोड़ा सा एलोवेरा जेल, लेकिन ये एलोवेरा जेल नेचुरल वाला नहीं होना चाहिए, ये जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो वाला एलोवेरा जेल होना चाहिए। 1 बूंद एलोवेरा जेल का और 1 बूंद ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में एज अ सीरम भी यूज कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने गीले बालों को ना सुलझाएं, हमेशा उसको कम से कम 70% ड्राई होने दें, उसके बाद अपने बालों को सुलझाएं, नहीं तो गीले बालों में बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होता है, क्योंकि अपने हेयर फॉलिकल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आपने जब इस रेमेडी को यूज किया तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, आफ्टर बिफोर की पिक मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम cos.metologist है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आपको कोई ऐसे पर्सनल इश्यूज हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगला वीडियो आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन जल्दी से जल्दी जाके बताइए कि आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं। मैं ऐसी कौन सी स्किन या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए बिल्कुल लबालब। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप फटाफट से मेरा वीडियो देख पाए। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।